Then firstly, as you all know, we done the titration process. With the help of these, we take a unknown solution and we take a known solution and its concentration we know. After that, with the help of unknown concentration, we find out the unknown solution concentration. So firstly, we fill the this period at the zero point, and after we take next solution, that concentration we know. ऑप्शन है इसकी हमको कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, हमें थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो हम इसको पहले क्वालिफाई करना लेंगे. हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको मिक्स करते हैं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए. तो जैसा कि वो देखेंगे और उसके जीरो पॉइंट से जितना तक एमएल तक वॉल्यूम स्क्रीन हम देखेंगे और पॉइंट नोट करेंगे उसकी. नेक्स्ट स्टेप हम फिर से इसको सेक करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हुए. सकते हैं फिर से इस सॉल्यूशन ने अपना कलर चेंज कर दिया है. थर्ड स्टेप हम लोग करते हैं फिर से इसको 25 ml सॉल्यूशन लेके इसको फिर से ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करेंगे और इसके हम तीसरी बार कंसंट्रेशन निकालेंगे. तो जैसा इसका कलर चेंज हो गया है, अब तीन बार हो